अगर आपको मलाई कोफ्ता खाना पसंद है और आप इसको रेस्टोरेंट में खाते हैं और इस दिवाली घर पे बनाने का सोच रहे हैं तो परफेक्ट है ये रेसिपी आपके लिए। बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से स्टफ्ड मलाई कोफ्ते की सब्जी आज हम बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। आप बहुत ही ईजी तरीके से घर पे बना सकते हैं, बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए बहुत ही टेस्टी से मज़ेदार से हम मलाई कोफ्ते बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोफ्ते बनाते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है, उसको अच्छी तरीके से हम ग्रेट कर लेते हैं। ध्यान रखें कि आप पनीर को हाथों से क्रम्बल ना करें, इसको ग्रेटर की हेल्प से ही ग्रेट करें। फिर मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, उसको भी इसके अंदर ग्रेट करा, और एक मीडियम साइज़ का आलू लिया, उसको भी मैंने इसके अंदर ग्रेट कर लिया। हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और साथ ही 3 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। जिस चम्मच से हम चावल खाते हैं उसी चम्मच का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करा है, और इसको हम यहाँ पर जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये एकदम खट्टा ना हो जाए और थोड़ा चिकना ना हो जाए। इसको मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे तरीके से मथा है। मथने से जो हमारी बॉल है वो फटती नहीं है और जो हमारे कोफ्ते हैं वो मुलायम और सॉफ्ट बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत चिकना चिकना हो गया है। तो चलिए इसके अंदर अब थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च डालते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इनकी एक छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस डो को रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत ही इसके कोफ्ते बना सकते हैं। तो स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर काजू और किशमिश कटिंग करके रखी थी। तो आप देख सकते हैं हम इसको पहले हथेली पे फ्लैट करेंगे और फिर इसके अंदर स्टफ करेंगे हमारी कटिंग करी हुई काजू और किशमिश। अब इनको किनारों से इकट्ठा करेंगे और एक बॉल के शेप में बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं, स्टफ़ करते टाइम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ज़रूर इसमें आप स्टफिंग करके ही बनाइए, इससे बहुत ही टेस्टी बनेंगे। काजू और किशमिश जब हमारे मुंह के अंदर बाइट आएगा ना, उससे ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसी तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इन सभी को गुलाब जामुन वाले शेप में बनाकर रेडी कर लिया। तो चलिए अब इसको हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करते हैं। मेक श्योर कि आपका जो तेल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पर होना चाहिए। कोफ्ते फ्राई करते टाइम हम इसको स्पून से हिलाएंगे, ऐसा करने से एक इवन कलर आता है और एक अच्छी कोटिंग भी होती है। अभी यहाँ पर इसको फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगे हैं। ये 7 से 8 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। और हाँ, मैंने इन सभी कोफ्तों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो हमारे कोफ्ते हैं फ्राई करके रख लिए हैं। तो चलिए अब इन सभी को ऑयल से निकालते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सारे कोफ्ते बनकर रेडी हो गए और एक भी कोफ्ता है जो फटा नहीं है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गरम करने रखा है, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और साथ ही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट लाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी भी डाला है। अगर आप चाहे तो पूरी सब्जी को आप घी में भी बना सकते हैं। तब तेल और घी हमारा जब गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 1 लौंग, 2 तेज़पत्ते और 1 इलायची डाली। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के कटिंग करे हुए अनियन लिए हैं, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम प्याज को यहाँ पर पका लेते हैं, और साथ ही हम इसके अंदर 7 से 8 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालते हैं और इसको 4 से 5 मिनट तक पकाते हैं। एक अच्छी नाइस कलर के लिए मैं इसके अंदर 2 लाल मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही 7 से 8 काजू। काजू डालने से जो ग्रेवी है वो बहुत ही क्रीमी और रिच बनती है। तो 4-5 मिनट तक ही हमको अनियन पकाना है, हमें अनियन ब्राउन नहीं करना है, इतना पकाना है कि हमारा अनियन है जो ट्रांसपेरेंट हो जाए या पिंक हो जाए। तो जब अनियन पक जाए तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं जिसके मैंने रफली चॉप कर। रेस्टोरेंट वाले कलर के लिए मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है लाल कश्मीरी पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून नॉर्मल तीखी मिर्ची डाली है, और साथ ही 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और टमाटर के गलने तक हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में अच्छी तरीके से टमाटर है जो हमारे गल के रेडी हो जाएंगे। तो हमारी यहाँ पर सब्जी पक के रेडी हो गई है। तो चलिए इसका हम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। आप इसको ठंडा करके ही फाइन पेस्ट बनाएंगे, नहीं तो आपकी जो किचन है वो सारी मैसी हो जाएगी। तो मैंने इन सभी को मिक्सर जार में डालकर एक फाइन प्यूरी बनाकर रेडी कर ली है। अब उसी सेम कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाला है और उसी के साथ डाली है 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और अच्छा कलर के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है, और साथ ही हमने जो प्यूरी बनाई है वो उसको अंदर छान के डालेंगे। छान के डालने से जो प्यूरी का टेक्स्चर है वो बहुत ही मखमली बनता है।
अगर आप सब्जी को बहुत ही फटाफट में बना रहे हैं तो जो छानने वाला स्टेप है वो मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्यूरी को छान के रेडी कर लिए, तो इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, साथ ही गरम मसाला। गरम मसाला डालने से ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मैंने तो यहाँ पर अपना होममेड गरम मसाला डाला है। और हाँ, मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून शुगर भी ऐड करी है। तो इसको हम थोड़ा और पकाते हैं फिर सर्व करते हैं। हमारी जो ये ग्रेवी जितनी पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी, तो मैंने यहाँ पर इसको 7 से 8 मिनट तक और पकाया है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी सी कोफ्ते और बहुत ही टेस्टी सी ग्रेवी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब इनको हम नान, रोटी, पराठे के साथ सर्व करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन सकती है, पर आपको कोफ्ते बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके कोफ्ते एक बार में नहीं बन रहे हैं या फट रहे हैं, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसको बना सकते हैं। तो बताएं ना मैंने कितनी ही आसान तरीके से मलाई कोफ्ते बनाना, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर कर दे और मेरे इस पेज को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।